हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ये लव एंड थंडर से नई ऐड हुई कैरेक्टर एक्चुअली में एमसीयू की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बींग्स में से एक है। जानेंगे इसके ओरिजिन को, इसके पावर्स को और देखेंगे कि क्या कॉमिक में ऐसा कुछ था या नहीं। सो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। तो थॉर लव एंड थंडर एंड होती है इस बेस पे कि गौर अपने गलती को रियलाइज करता है और इटर्निटी से वो मांगता है जिसे वो अपने सामने बस एक बार देखना चाहता था। और फिर जो बच्ची सामने निकल के आती है वो होती है गौर की बेटी। बट अब उसका एग्जिस्टेंस चेंज हो चुका है, अब वो एक नॉर्मल सी बीइंग नहीं है जो कभी गौर की बेटी थी, बिकॉज वो अब एक ऐसे एंटिटी का पार्ट है जिसके अंदर खुद वो पूरा प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करता है। तो कौन है ये लव और इसके पावर्स क्या हैं, आओ जानते हैं। तो कॉमिक में लव जैसा कोई कैरेक्टर नहीं है, इनफैक्ट लव तो छोड़ो, कॉमिक में तो थॉर की कोई बेटी तक नहीं है जिसका रेफरेंस लेके एमसीयू इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दे। वैसे एक अल्टरनेट अर्थ के स्टोरी लाइन में थॉर की एक बेटी थी बट उसका लव से कोई रिजेंबलेंस नहीं है, बट एक सिम्बोलिज्म है जो उस कैरेक्टर से लिया गया है। शायद कॉमिक में उस अल्टरनेट स्टोरी वाली कैरेक्टर का नाम था टॉरन थॉर्स डॉटर और टॉरन वर्ड का मतलब होता है थॉर्स लव, यानी थॉर का लव। और मूवी में भी इस नई कैरेक्टर का नाम लव ही लिया गया है, ये दिखाने को कि कॉमिक की सिंबलिज्म है कि किस तरह थॉर लव को अपनी बेटी की तरह मानेगा। वहीं अगर देखा जाए तो लव बेसिकली सिर्फ गौर नहीं बल्कि थॉर के एक्सट्रीम इमोशंस और प्यार का भी नतीजा है, क्योंकि इटर्निटी के वेल में गौर और थॉर दोनों मौजूद थे, वो भी दोनों इमोशन से ओवरफ्लो होते हुए। तो भले ही विश मांगी गौर ने, बट कहीं ना कहीं उस सराउंडिंग में थॉर की भी हार्ट रेंचिंग इमोशंस शामिल थे और उसे ही देखते हुए इटर्निटी ने दोबारा से रिक्रिएट किया एक ऐसे बींग को जो कि उसी की इमेज हो। अब चूंकि गौर की असल बेटी तो मर चुकी थी तो इटर्निटी ने जिसे लौटाया वो कुछ और नहीं बल्कि खुद इटर्निटी के पावर्स और प्रेजेंस का एक हिस्सा था, जिसने एक लड़की का एम्बॉडीमेंट ले लिया और मिल गया एमसीयू को उसका पहला कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन वाला कैरेक्टर। तो ये तो रही लव की ओरिजिन, बट क्या ऐसा कुछ कॉमिक में है कि इटर्निटी की कोई औलाद हो? तो हाँ जी है। 2019 के लोकी कॉमिक सीरीज में मार्वल ने एक्चुअली दो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, देन और नाउ नाम के। ये दोनों कैरेक्टर एक्चुअली में इटर्निटी की संतान थे और भाई साहब उन बच्चों ने जिस तरह की बातें करी थी, अगर एमसीयू के अंदर लव उतनी केपेबल रही देन डीसीयू का तो पता नहीं, बट एमसीयू में हायरार्की ऑफ पावर जरूर चेंज हो जाएगा। देन और नाउ बेसिकली दो कॉस्मिक एंटिटीज थे जो कि हाउस ऑफ आइडियाज के कीप पर थे। उन्होंने ही लोकी को यह बताया कि किस तरह वो सालों तक स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर और वुल्वरीन को बाकियों से ज्यादा टाइम दिया है ताकि वो और हीरोइक काम करके लोगों को बचाते रहें। देन और नाउ के लिए समय, स्पेस, रियलिटी इन सब के कोई मायने नहीं थे, वो अपने विम पे इसे कंट्रोल कर सकते थे एक ट्रू मैनिफेस्टेशन ऑफ इटर्निटी की तरह। तो कॉमिक में इटर्निटी की संतान जितनी पावरफुल थी अगर उतना ना सही, बट अगर उसका 10% भी लव को पावरफुल दिखा दिया गया ना तो भी लड़की झंडे गाड़ देगी पावर हायरार्की में। तो एक बार ब्रीफली लव के पावर लेवल्स पे भी नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि लव एक ओमनी जेंडर कैरेक्टर है, यानी वो दिखती तो हमें एक लड़की की तरह है बट असल में लव का कोई जेंडर नहीं है। कॉज अगर आपको याद हो देन जब लव मैनिफेस्ट हुई थी देन उसका कोई जेंडर नहीं था, वो बस एक एम्बॉडीमेंट थी वास्ट और इनफाइनाइट कॉस्मोस का। सेकंड स्पेशलिटी, लव का कोई अपीयरेंस भी नहीं है, यानी लव जो है वो कोई भी फॉर्म ले सकती है, लिटरली जो चाहे वो बन सकती है। वो चाहे तो एक इंसान बन सकती है, एक एस्गार्डियन बन सकती है या कुछ भी, क्योंकि ये खुद इटर्निटी की भी एक खासियत में से एक है कि वो ट्रूली इटर्नल है, नॉट लिमिटेड बाय हिज प्रेजेंस एंड अपीयरेंस। तो जाहिर सी बात है कि ये पावर्स भी लव के अंदर होगी ही होगी। वहीं अगर लव इन फ्यूचर फुल्ली अपने पावर्स पे कंट्रोल ले आती है देन स्पेस, टाइम और रियलिटी मैनिपुलेशन तो उसके पावर्स में होंगे ही होंगे। और कुछ ना भी हुआ तो भी टाइम मैनिपुलेशन तो होगा ही, कॉज इटर्निटी मार्वल मल्टीवर्स के टाइम का ही मैनिफेस्टेशन है। यानी लव के पावर लेवल से ये तो साफ साफ क्लियर हो जाता है कि आगे आने वाले एमसीयू में पावर एकदम अलग ही लेवल पे शोडाउन करी जाएगी, जहां ससुरा सब के सब एक से एक होंगे भैया, कोई किसी से कम नहीं होने वाला है। और ये हमारे लिए काफी सच में बहुत मजेदार बात है।